अपने बिजनेस और अरबों की संपत्ति के अलावा अंबानी परिवार अपने पार्टीज के लिए भी खूब मशहूर है। अंबानी परिवार के किसी भी सदस्य का बर्थडे हो या फिर शादी, अंबानी परिवार उसे खास बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। कुछ दिन पहले अनमोल अंबानी और कृषा शाह की शादी बेहद धूमधाम से कराई गई थी। दोनों की शादी में परिवार के सारे सदस्य खूब मस्ती मजाक करते हुए नजर आए थे। ठीक वैसा ही नजारा मुकेश अंबानी की भांजी इशिता सालगांवकर की शादी में भी देखने को मिला। इशिता ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड अतुल मित्तल से शादी की है। दोबारा दुल्हन बनी मुकेश अंबानी की भांजी इशिता सालगांवकर। लंदन में हुई अंबानी परिवार की बेटी की धूमधाम से दूसरी शादी। 7 साल पहले नीरव मोदी के भाई से की थी पहली शादी। अपने बिजनेस और अरबों की संपत्ति के अलावा अंबानी परिवार अपनी पार्टियों के लिए भी खूब मशहूर है। चाहे अंबानी परिवार में किसी सदस्य का जन्मदिन हो या चाहे हो किसी की शादी, अंबानी परिवार इन्हें स्पेशल बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ता। बीते कुछ महीने पहले इस परिवार ने अनमोल अंबानी और कृष्णा शाह की शादी बेहद धूमधाम से की थी, जहाँ पूरे परिवार को एक साथ मस्ती मजाक करते देखा गया था। तो वही बिल्कुल ऐसा ही नजारा मुकेश अंबानी की भांजी इशिता सालगांवकर की दूसरी शादी में भी देखने को मिला, जो हाल ही में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड अतुल मित्तल के साथ शादी के बंधन में बंधी है। इशिता सालगांवकर की शादी की सभी रस्मों को भले ही बहुत ही प्राइवेट रखा गया हो, लेकिन दुल्हन बने इशिता जब अपने भाइयों का हाथ पकड़ मंडप तक पहुंची तो ये लम्हा सबसे ज्यादा लाइमलाइट में आ गया। एक वायरल वीडियो में अनंत अंबानी अपनी कजन इशिता सालगांवकर को शादी के मंडप पर लाते हुए दिख रहे थे। ईशा अंबानी के पति आनंद पीरामल भी यहां नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में शादी के मंडप की भी झलक देखने को मिल रही है। अंबानी परिवार से सामने आया एक खूबसूरत लम्हा हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। अतुल मित्तल के साथ दूसरी बार शादी के बंधन में बन चुकी इशिता ने अपनी शादी में पेसो पिंक कलर का लहंगा पहना था, जिस पर रेशम के अलग अलग शेड्स के थ्रेड के साथ चांदी के तारों का खूबसूरत काम किया गया था। लहंगे का पैटर्न जड़ाऊ लुक में रखा था, जिसमें घेर के लिए इसकी स्कर्ट में स्टिचिंग के साथ पैनल्स को जोड़ा था। ओवरऑल आउटफिट को मोनोटोन लुक दिया था, जिसकी चोली और दुपट्टा मैचिंग का था। अपने इस लहंगे के साथ इशिता ने प्रिंसेस कट वाला ब्लाउज पहना था, जिसके साथ उन्होंने अपना दुपट्टा सिर पर से लेते हुए डाला था। लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने हेवी जड़ाऊ चोकर नेकलेस, झुमके, मांग टीका और बहुत सारी चूड़ियां पहनी थी, जो कि स्टोन्स और डायमंड से तैयार की गई थी। वहीं फेस पर उन्होंने फ्लॉलेस मेकअप किया था, जो कि उनके लुक को एकदम परफेक्ट तरीके से राउंड ऑफ करता दिखा। इशिता सालगांवकर और अतुल मित्तल के वेडिंग की कुछ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अंबानी परिवार के एक फैन पेज पर प्री वेडिंग सेलिब्रेशन और शादी की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए गए हैं, जिसमें पूरा अंबानी परिवार एक साथ शादी में एंजॉय करता दिख रहा है। ये शादी 9 जुलाई को मुकेश अंबानी के लंदन के स्टॉक पार्क वाले घर पर धूमधाम से हुई थी और इसी घर में शादी की सारी रस्में भी हुई। पैलेस जैसे इस घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। इस शादी में शामिल होने के लिए देश विदेश से तमाम मेहमान आए थे। वहीं शादी से पहले यहाँ शानदार कॉकटेल पार्टी भी की गई थी, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इन तस्वीरों में अंबानी परिवार की लेडीज का एक से बढ़कर एक शानदार लुक देखने को मिला था। बता दें कि इशिता सालगांवकर मुकेश अंबानी की बहन दीप्ति सालगांवकर और जिया दत्तराज सालगांवकर की बेटी है। वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ी है और वीएम सालगांवकर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड में कॉरपोरेट डेवलपमेंट की उपाध्यक्ष है। पिता के साथ वो उनका बिजनेस बखूबी संभाल रही हैं। वहीं इशिता के पति अतुल मित्तल नेक्सस मोबिलिटी के संस्थापक हैं। आपको बता दें कि अतुल मित्तल से पहले इशिता सालगांवकर ने नीरव मोदी के भाई निशल मोदी से शादी की थी। हालांकि शादी के कुछ ही सालों बाद उनके बीच का रिश्ता खराब हो गया और फिर साल 2019 में दोनों एक दूसरे से तलाक लेकर अलग हो गए। तलाक के बाद इशिता को अतुल मित्तल में प्यार मिला और जिसके बाद दोनों ने अपने प्यार को शादी के अंजाम तक पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट E24।